हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें आपके साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से। और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है मैं बताऊं, ये हमने डीके गोयल की बुक से लिया हुआ है और इसका गिवन पार्ट मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। एक बार गिवन पार्ट आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है दिशा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड। तो दिशा लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है निशा लिमिटेड से एंड पेड एज फॉलो। कितने की मशीन खरीदी ये नहीं बताया क्वेश्चन ने अभी, तो जाहिर सी बात है जो हम पेमेंट कर रहे हैं जितना पैसा दे कर रहे हैं उतने में हमने मशीनरी खरीदी होगी, ठीक है। तो जितना पे कर रहे हैं उतने में मशीनरी खरीदी है, तो देखो क्या क्या पे कर रहे हैं। कहता है हम उन्हें इश्यू कर रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, हम 10% प्रीमियम में इश्यू कर रहे हैं पहली बात, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर और एक 10 का है प्रीमियम में इश्यू हो रहा है 11,000, तो ये अमाउंट आएगा हमारे पास कितना 1,10,000 रुपए, ठीक है जी। चलिए इधर आइए, सॉरी, हाँ जी, 1,10,000 रुपए आ गए। चलिए इसके बाद बात करें अगर हम, तो हमने उन्हें इसके अलावा इक्विटी शेयर के अलावा 209% डिबेंचर भी इशू किए हैं। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, और हमने डिस्काउंट में इशू किया। ध्यान रखिए कैसे इशू किया है, हमने डिस्काउंट पर इशू किया है, ठीक है। उसके बाद कहता है बाकी जो है और भी हम उन्हें पे कर रहे हैं कुछ, वो कैसे, एक बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी हमारे लिए क्या बन जाएगा, दिशा लिमिटेड के लिए बिल पेएबल बन जाएगा, कितने का, 50,000 रुपए का, जो कि एक महीने बाद पे होना है। इनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए आइए मेरे साथ आप लोग इस क्वेश्चन पर देखिए हमें क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन में ये देखें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब जर्नल एंट्रीज जब आप पास कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चीजें किसने कितने में ले रहे हैं। देखिए मेरे साथ आप यहां आइए, आपको सबसे पहले निकालना होगा कैलकुलेशन, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितने में खरीदी है हमने, इसकी कैलकुलेशन करें, तभी तो मशीनरी की कॉस्ट डालेंगे। आइए देखिए, एक तो हमने उन्हें इक्विटी शेयर देने हैं इसके लिए, तो इक्विटी शेयर हमें पड़ रहे हैं कितने के, 10,000 इक्विटी शेयर, और 1,11 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो 1,10,000 रुपए तो ये आ गए। प्लस हम उन्हें 9% डिवेंचर भी दे रहे हैं, हम डिवेंचर दे रहे हैं डिस्काउंट पर, तो 200 डिवेंचर हैं और डिस्काउंट पर हैं 10%, तो 90 के हिसाब से बन गया ये हमारे पास 18 और 3 0 यानी 18,000। उसके बाद हमने उन्हें एक बिल पेएबल भी दे रहा है, कितने का, 50,000 का। चलिए तो इन तीनों को टोटल करें आप, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ये 1,78,000। तो 1,78,000 में आपने मशीन खरीदी है, ये आपका वर्किंग नोट था पहला, वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमें यहाँ पे काम आएगा अपनी एंट्री में। अब आइए जर्नल एंट्री पर चलें, तो जर्नल एंट्री में आइए ये मेरे साथ पहले जर्नल एंट्री करते हैं, दिशा लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री करें, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदी हमने टू निशा लिमिटेड, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं किए, पेमेंट करेंगे, निशा लिमिटेड को पेमेंट करनी है, कैसे, 1,78,000 की पेमेंट करनी है, 1,78,000 में मशीनरी खरीदी है इसलिए उसकी पेमेंट करनी है, मशीनरी परचेज वर्किंग नोट नंबर 1 का आप रेफरेंस देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दो ताकि अमाउंट पता लगे 1,78,000 कैसे आया है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पर चलें, अब निशा लिमिटेड को पेमेंट करनी है हमें, निशा लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो आप फिर वर्किंग नोट नंबर 1 को याद कीजिए। देखिए हमने उन्हें इक्विटी शेयर दिए हैं प्रीमियम में, इक्विटी शेयर प्रीमियम में दिए हैं तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, और प्रीमियम में दिए हैं तो अरे डिस्काउंट भी था ना, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी जी यहां ऊपर डिस्काउंट के लिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर दिए हैं और क्योंकि प्रीमियम में दिए हैं तो एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अमाउंट 2 मिनट बाद लिखेंगे। अच्छा इक्विटी शेयर हो गए, उसके बाद हमने उन्हें डिवेंचर दिए हैं 9%
डिवेंचर दिए हैं तो डिवेंचर हमारे क्रेडिट हो गए, डिस्काउंट पर दिए हैं तो आ गया डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये डेबिट हो गया। और साथ में हमने एक बिल पेएबल एक्सेप्ट किया है तो बिल पेएबल हमारी लायबिलिटी बन गई। आइए अमाउंट अब देखें, देखो बिल पेएबल की लायबिलिटी थी 50,000 की, हमने 50,000 का बिल पेएबल एक्सेप्ट किया था। अच्छा इक्विटी शेयर देखो तो 10,000 इक्विटी शेयर थे, एक था 10 का, और प्रीमियम कितना बन जाना था 10,000 पर 1 रुपए का प्रीमियम, तो 1,00,000 रुपए तो हमारे पास इक्विटी कैपिटल में आ गए और 10,000 में हमारे पास प्रीमियम में आ गए। अच्छा डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर हमने 200 डिबेंचर थे, 200 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, तो आइए 200 डिबेंचर 100 रुपए के हैं तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000। और हमारा डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा, हमने 200 डिबेंचर पर डिस्काउंट दिया था 10% का, तो हमारे पास ये कितना आ गया 2,000 रुपए। अच्छा लायबिलिटी कितनी कम खत्म हुई है, पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई, सेटल हो गया, तो लायबिलिटी खत्म हुई थी हमारी 1,78,000 की। तो इस तरीके से हमने एंट्री कर ली। आप चाहें तो एक अलग तरीके से भी एक एक करके भी पेमेंट कर सकते थे, मैंने सारी चीजें कंबाइंड कर दी इनको। चलिए जी तो नरेशन और लिख लें, परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स एंड बिल पेबल, ये तीनों से हमने अपना परचेज कंसिडरेशन 1,78,000 का जो परचेज कंसिडरेशन था वो हमने सेटल किया। तो यही जर्नल एंट्रीज बनती हैं इस केस में, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये वर्किंग नोट मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये लीजिए जो हमने मशीनरी की कॉस्ट निकाली, या आप इसे कह सकते हैं जो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला, दोनों ही यही है हमारा, पीसी भी इसी को कह सकते हैं और मशीनरी कॉस्ट भी इसी को कह सकते हैं। चलिए तो नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।